नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में भारतीय सदी पर एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एनडीए की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नव निर्वाचित विधायकों को आज श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अगस्त में कुल 18,53,000 सदस्यों का पंजीकरण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने देश में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का फैसला किया। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो आज सवेरे 10 बजे इस सम्मेलन को संबोधित करने के उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा ने निश्चित रूप से विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और युवा शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वो अपने संबोधन में भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे और स्पष्ट करेंगे कि विश्व में हमारा स्थान इतना उज्ज्वल क्यों है। उनके संबोधन में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और 2030-31 तक देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य भी शामिल किए जाने की संभावना है। सम्मेलन में अन्य नेताओं के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी अपने विचार रखेंगे। झारखंड में एनडीए की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वरिष्ठ नेता लंबोदर महतो को गोमिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये निर्णय रांची में पार्टी सदस्यीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। एनडीए के सीट बंटवारे के फार्मूला के अनुसार आजसू 10 सीटों पर, जनता दल U2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली LJP रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष 68 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतारेगी। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के संबंध में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। विधानसभा की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे, जबकि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राज्य मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से और सुधीर मुनगंटीवार बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में वांद्रे वेस्ट से आशीष शेलार, मलबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा, कोलाबा से राहुल नार्वेकर और भोकर विधानसभा क्षेत्र से श्री जया अशोक चव्हाण को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सत्तारूढ़ महायुति में सीटों का बंटवारा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा है कि उनकी सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इस बीच शिव संग्राम पार्टी के संस्थापक दिवंगत विनायक मेटे की पत्नी डॉक्टर ज्योति मेटे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में शामिल हो गयी। नंदुरबार जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष भरत गावित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी के सिद्धार्थ देवड़े और पूर्व विधायक परशुराम उपरकर शिवसेना UBT में शामिल हुए। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रीय जनता दल RJD के बाद अब CPI माले गुट ने INDIA गठबंधन में सीट आवंटन पर असंतोष व्यक्त किया है। दोनों पार्टियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज 11 बजे तक अपनी मांग पूरी करने का समय दिया है। RJD के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि पार्टी अकेले ही कई सीटों पर भाजपा को हरा सकती है। राजद का कम से कम 22 जगहों पर एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। सात पे हम पिछली बार लड़े, एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत है, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है।
कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डुल रहे हैं? तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा फार्मूला के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 70 सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि 11 सीट आरजेडी और सीपीआईएमएल को दी गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को आज श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल दोपहर 2 बजे से विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इनमें से 51 पहली बार निर्वाचित हुए हैं। भाजपा के 29 वर्षीय शगुन परिहार सबसे युवा विधायक हैं, जबकि चरारे शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 80 वर्षीय अब्दुल रहीम राथर सबसे उम्रदराज विधायक हैं। राथर और अली मोहम्मद सागर रिकॉर्ड 7वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अगस्त में 9,30,000 नए सदस्य पंजीकृत किए। इनमें 2,53,000 महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि संगठन ने इस महीने कुल मिलाकर 18,53,000 सदस्यों का पंजीकरण किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नई सदस्यता में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसर, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है। पिछले साल अगस्त की तुलना में इस वर्ष अगस्त में संगठन के सदस्यों की संख्या में 9% वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसके जरिए एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये मंच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाएं आसानी से सुलभ हों। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में सभी जानकारियां एक जगह उपलब्ध कराना है। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संबंधित योजनाओं से अवगत कराने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक आरसीएस उड़ान के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। उड़ान योजना देश के ऐसे क्षेत्रों में यात्रा सुधार पर केंद्रित है जहां हवाई वायु यातायात संचालित नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2017 को पहली विमान सेवा का उद्घाटन किया था। योजना के शुभारंभ के बाद से 600 से अधिक उड़ान मार्गों का संचालन किया गया है और 1,44,00,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। इससे हवाई यात्रा सुविधा बढ़ाने में योजना की सफलता का पता लगता है। ये योजना अब तक देश भर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ चुकी है। योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 हेलीपोर्ट के अलावा 10 हवाई अड्डे भी चालू किए गए हैं। उड़ान योजना न केवल टियर 2 और टियर 3 शहरों को दूर दराज तक कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख योगदान रही है। ये योजना हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को गति देकर कई हवाई अड्डों के लिए गेम चेंजर बन गई है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की कल शुरुआत की। इसके तहत राज्य के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाने और मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। श्री धनखड़ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 41 स्वर्ण पदक वितरित करेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू ने अपने देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की है कि कैबिनेट की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट। मालदीव में यूपीआई शुरू करने के फैसले से वित्तीय समावेशन और लेन देन दक्षता में वृद्धि के साथ साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मालदीव की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों को मुद्रा रूपांतरण की आवश्यकता के बिना यूपीआई सक्षम ऐप का उपयोग करने से लाभ होगा। डॉ. मुइजू यूपीआई की कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और फिनटेक फर्मों को शामिल करते हुए एक संघ स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यूपीआई का मालदीव में लागू होना वैश्विक स्तर पर अपने विकासात्मक अनुभवों को साझा करने के भारत के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। न्यूजीलैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहली बार ये खिताब जीता है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 158 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर कजाकिस्तान में अल्माटी ओपन ATP 250 टेनिस टूर्नामेंट में भारत के अर्जुन काधे और ऋत्विक बोलीपल्ली ने पुरुष युगल खिताब जीता है। काधे और बोलीपल्ली ने कल सुपर टाई ब्रेकर में कोलंबिया के निकोलस बेरी एंटोस और ट्यूनेशिया के स्केंडर मंसूरी को हराकर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता। इधर पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के लाखन सिंह ने पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओडिशा के नरहरी ने S500 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया। S600 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण महाराष्ट्र के चैतन्य विश्वास ने जीता। कर्नाटक के तेजस ने S7 और श्रीधर ने S8 स्पर्धा के स्वर्ण जीते। कर्नाटक के साहिल राजाराम ने S9 और सेना के कपिल कुमार ने S10 स्पर्धा के स्वर्ण पदक अपने नाम किए। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार की सुबह तक इसके ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। राज्य सरकार ने इसके चलते सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान श्रोता टोल फ्री नंबर 0112342105 और 0112334444 पर प्रश्न पूछ सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद नईम। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में मुख्य पृष्ठ की खबर है, मोदी ने वाराणसी से देश को दी 6611 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने कल हुई दिल्ली हाफ मैराथन को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, हाफ मैराथन में जमकर दौड़ी दिल्ली। लंबी दूरी के धावक युगांडा की जोशुआ चेप्टेगी ने दिल्ली हाफ मैराथन जीती, ट्रैक से रिटायर होने के बाद उनका पहला खिताब। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कल CRPF स्कूल के बाहर हुए हमले को भी देश बंधु सहित सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रदूषण के हवाले से विभिन्न अखबारों में अलग अलग खबरें हैं। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पराली जलने पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। दैनिक जागरण की खबर है, आज से शुरू होगा यमुना से झाग का खात्मा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बांस के उत्पाद प्रदूषण से बचा रहे, हीरे के कण पृथ्वी को गर्म होने से रोकने में मददगार। त्योहारों के मौके पर शहर की साफ सफाई के मद्देनजर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिवाली से पूर्व शहर से पोस्टर बैनर और होर्डिंग्स हटाने के आदेश। दैनिक भास्कर की खबर है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार, पानी से तैयार करेंगे फ्यूल। साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में छपी खबरों में आज नवभारत टाइम्स लिखता है, फेक या AI वीडियो की हो सकेगी पहचान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में भारतीय सदी पर NDTV के विश्व सम्मेलन को संबोधित करेंगे। NDA की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नव निर्वाचित विधायकों को आज श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अगस्त में कुल 18,53,000 सदस्यों का पंजीकरण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने देश में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लागू करने का फैसला किया। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।